तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का टॉपिक यह है कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एंटीवायरस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बेल को भी दबाएँ, जिससे जो भी मैं न्यू उड़ाने वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई सा भी ब्राउजर खोल लेंगे, ओपेरा, यूसी, जो भी आपको खोलना चाहते हैं आप उसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको गूगल पे टाइप करना है गेट इनटू पीसी। टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहां पर देखिए टॉप पेज गेट इनटू पीसी डाउनलोड फ्री, ये वाले को आपको खोलना है। जैसे ये ओपन होता है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको राइट साइड में सर्च वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी। आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपका स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि गूगल पे अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो वो उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक भी वर्ड को गलत लिख देंगे तो वो फिर रिजल्ट को शो नहीं करेगा। तो ठीक है, हम गो पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नंबर 1 पे ही हमारा यहाँ पर आ गया माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी। तो हमें इस पे क्लिक करना है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे भी जा सकते हैं, लिंक से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक 32 बिट मिल रहा है, एक 64 बिट मिल रहा है। तो आपके कंप्यूटर जिस बिट का है आपको वही डाउनलोड करना है। 32 बिट का है 32 करना है, 64 बिट का है 64 करना है। अगर आपको ये जानना है 32 बिट और 64 बिट क्या होता है और इसको हम कैसे पता करेंगे, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। ठीक है, तो मेरा 32 बिट का पीसी है तो मैं 32 बिट का डाउनलोड करता हूं। 32 बिट पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लगभग 1 मिनट का लेगा या उससे ही पहले हो जाता है और आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा सीधा। तो ये देख सकते हैं अपने आप ही ये वाली विंडो खुल जाती है, मतलब डाउनलोड के लिए। तो यहां पर मैं डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। देख सकते हैं आप getintopc.com, फिर उसके बाद msa install। ठीक है, सेव करता हूं मैं और ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम शट डाउन कर देंगे और आप यहां पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो सिंपली हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको रन कर देंगे। रन होने के बाद में आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आप इसकी टर्म्स एंड पॉलिसी जो भी है सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको इसको आई एक्सेप्ट पे कर देना है और उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, तो सिंपली आपको नीचे वाले पे कर देना है, या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका ऊपर वाले पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द प्रोग्राम एट दिस टाइम करके नेक्स्ट करता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद में आपको फिर नेक्स्ट कर देना है और ये इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो गया है। तो फिर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है तो आपको वेट कर लेना है। आप भी जानते हैं कंप्यूटर में कुछ भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं तो वो थोड़ा तो टाइम लेता ही है, सिंपली आपको वेट कर लेना है। और हो स्कैन माई कंप्यूटर ऑफ प्रोटेक्शन थी, फिनिश करना है इसको आपको। और फिनिश करने के बाद देखिए
ये हमारा एंटीवायरस काम करना चालू कर दिया है। अब ये अपडेट हो रहा है तो इसको अपडेट हो जाने दीजिएगा। अगर आपको आपके पास लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, मतलब गेट इनटू पीसी पे अगर लेटेस्ट वर्जन डालेंगे तो लेटेस्ट वर्जन आएगा, अगर नहीं आता है तो ये खुद डाउनलोड कर लेगा। और अभी आप देख सकते हैं पीसी स्टेटस, आप ऊपर देख सकते हैं एट रिस्क, मतलब बहुत बढ़िया एंटीवायरस है ये। टाइम तो लगाता है, टाइम तो ले लेता है करीब 3-4 घंटे का अगर आप पूरा कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। बाकी आपकी फाइल्स के ऊपर रहता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी फाइल्स है, ठीक है, लेकिन अच्छा एंटीवायरस है और जो भी है मलवा को ये डिलीट कर देता है। अभी अपडेट हो रहा है ये, जब तक मैं इसकी जो डाउनलोड फाइल है इसको मैं डाल देता हूँ अंदर। और अभी हमें इसका शॉर्टकट चाहिए तो उसके लिए आपको कभी कभी ये खुद क्रिएट कर देता है और नहीं करता है, तो आप स्टार्ट पे जाइएगा और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के आप क्लिक लिंक इन डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। तो सिंपली जब भी आपको इसको ओपन करना होगा तो आप यहाँ पर फिर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा वीडियो को, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ही बचा है अपडेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स ऊपर लिखा हुआ आ गया है पीसी प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड। तो मोस्टली ये पूरा ही हो गया है अपडेट, थोड़ा सा ही रह रहा है। तो ये फ्रेंड्स अपडेट हो गया है और अपडेट होने के बाद इसने अपना काम चालू कर दिया है, मतलब सिंपली भाषा में कहें तो इसने स्कैन करना चालू कर दिया है और ये कंप्यूटर को स्कैन कर रहा है। और स्कैन करने के बाद ये अभी क्विक स्कैन कर रहा है, क्विक स्कैन ये जल्दी स्कैन कर लेता है। और एक होता है इसमें फुल स्कैन, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये होता है क्विक स्कैन, एक होता है फुल स्कैन, एक होता है कस्टम स्कैन। तो क्विक स्कैन पे ये जल्दी स्कैन कर देता है और फुल स्कैन पे पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है। और कस्टम स्कैन पे आपको जो 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 स्कैन करना है उस पर आपको टिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये स्कैन करेगा। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।